Good morning, students. There is a famous proverb, students, that hard work is key to success. मेहनत ही सफलता की कुंजी है और it's very true, students. आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है. Okay? So keep doing, keep learning. So today, students, we are here again with our lesson 13, that is fun with magnets. अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है दैट व्हाट इज अ मैग्नेट, व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंड द सब्सटेंसेस विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. सेकेंडली द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, लाइक मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इनके एंड्स पर इनकी मैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा होती है. देन ऑल्सो वी रीड दैट अ मैग्नेट व्हेन इट फ्रीली रोटेट्स इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करती है. ओके, तो इसीलिए इन ओल्डर टाइम्स जो ट्रैवलर्स थे दे यूज द नेचुरल मैग्नेट एज अ डिवाइस टू फाइंड द डायरेक्शंस. सो फ्रेंड्स, वी विल रीड अबाउट मैग्नेटिक कंपास, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहा नए नए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बनते रहे. लेटर ऑन मैग्नेटिक कंपास वॉज डिस्कवर्ड टू फाइंड द डायरेक्शंस. इट इज अ डिवाइस विच वॉज यूज टू फाइंड द डायरेक्शंस. एंड फ्रेंड्स, इफ यू सी अ मैग्नेटिक कंपास, इट हैज अ ग्लास डायल, द स्टील फ्रेम, अ मैग्नेटिक नीडल, ओके, विच ऑलवेज शोज व्हेन इट इज एट रेस्ट, इट ऑलवेज शोज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. सो हाँ जी स्टूडेंट्स, सो दिस इज द मैग्नेटिक कंपास. ये मैग्नेटिक कंपास है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये ग्लास केस है. ओके, सर्कुलर स्टील फ्रेम है किनारे पर, नीचे आप देख सकते हैं डायल है जिसमें आपको डायरेक्शंस देखेंगी, W फॉर वेस्ट, E फॉर ईस्ट, S फॉर साउथ एंड N फॉर नॉर्थ, और यू कैन सी द नीडल, कंपास नीडल है ये, मैग्नेटिक होती है. आप इसका एक जो नीडल का एक तरफ से देखेंगे, वन साइड इज पेंटेड रेड, ये रेड होती है इसको शो करने के लिए कि ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ. ओके, सो स्टूडेंट्स जब हम इसको यहां रखते हैं आप इजीली देख सकते हैं कि द रेड एंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड अनदर एंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ. जब आप यस स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैग्नेटिक कंपास एंड हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट वर्क्स. So now students, we have another topic, that is to make your own magnet. अगर आप अपनी magnet बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? We need two things students. We need an iron bar. Okay? Because magnet बनाने के लिए हमें iron material की जरूरत पड़ेगी. And then we need a magnet. We need a magnet, a bar magnet preferably you see. And what we have to do? That we will see in an activity. Okay, let's do an activity. Now friends, what we will do? We will take a bar magnet and place one of its pole near one edge of the bar of iron. ये देखिए आपने bar magnet लिया है, see this is the north pole. Okay, हमें dot जहां white dot लगा होता है magnet पर, that means it is north pole. Now we will take a iron bar और हम इसके एक side से From one edge, we will start rubbing the iron bar. Okay? Like this. At least, student, 30 to 40 times, we will repeat this. And one more thing we have to keep in our mind, ये ध्यान रखना है हमें, that We will not rub it like this. इस तरह से हमें इसे रब नहीं करना है. We will move from one edge, एक किनारे से हमें दूसरे किनारे लाना है. Then we will lift
द बार मैग्नेट, अब हम इसको ऊपर उठाएंगे और फिर दोबारा से उसी एंच पर जाएंगे एंड देन वी विल रब अगेन. ओके, जब हम दूसरे एज पर पहुंच जाते हैं हम उठाते हैं उसको और फिर फर्स्ट उस पर जाते हैं पहले एज पर एंड देन वी रब इट. ओके, लाइक दिस. तो वी विल डू इट 30 to 40 टाइम्स. एंड देन वी विल टेस्ट कि वेदर इट इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट और नॉट. और एक ही पोल से स्टूडेंट्स आपने करना है, बार बार उसको चेंज नहीं करना है. वी विल सी कि वेदर इट बिकम्स अ मैग्नेट और नॉट. इट इज नॉट, मतलब इट टेक्स टाइम. ओके, डायरेक्शन जो है यू हैव टू रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज. जिस डायरेक्शन में आप कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करते रहेंगे और वही पोल से करते रहेंगे. प्लीज डू नॉट चेंज. नाउ वी विल ट्राई कि वेदर वी आर सक्सेसफुल और नॉट. ओके, अभी हम एक कोई आयरन की पिन लेकर देखेंगे कि वेदर इट विल स्टिक विद दिस और नॉट. See students, I have this iron pin. See, ये इस पर स्टिक हो गई है. टेम्परेरी मैग्नेट बनती है बट परमानेंट नहीं है स्टूडेंट्स. कुछ टाइम के लिए इसमें ये मैग्नेटिक पावर रहती है कुछ एरियाज तक. सी, कैन यू सी? ये देखिए ये चिपक गई है. ओके, फॉर सम टाइम इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट. ये आयरन बार थी हमारे पास जिसको हमने जब मैग्नेट से रब किया तो इट बिहेव एज अ मैग्नेट फॉर सम टाइम. तो इन दिस वे वी कैन मेक आवर ओन मैग्नेट. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी 6 यू कैन ऑल्सो मेक योर मैग्नेटिक कंपास. ओके, जिसके लिए आपको एक कॉर्क की जरूरत है, इस तरह से एक आयरन पिन की जरूरत है जिसको आपने मैग्नेटाइज्ड किया हुआ है और फिर आप जब उसको वाटर के कप में रखेंगे फ्रीली रोटेट करेंगे कॉर्क को तो इट विल ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन मेक आवर ओन मैग्नेट. यस फ्रेंड्स, आफ्टर मेकिंग आवर ओन मैग्नेट वी कम टू अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट व्हिच इज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. स्टूडेंट्स जस्ट रीड एन एक्टिविटी ऑन गिवन ऑन पेज नंबर 131 पेज पर स्टूडेंट्स एक्टिविटी गिवन है. ये हम इसको रीड करेंगे, हम समझेंगे और फिर हम कंक्लूड करेंगे. टेक टू स्मॉल टॉय कार्स एंड लेबल देम एज ए एंड बी. इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, दो टॉय कार्स लिए और उनको लेबल किया है ए एंड बी. प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विद रबर बैंड्स. नाउ हमने इन टॉय कार्स के ऊपर स्टूडेंट बार मैग्नेट्स को रख दिया है, उसको रबर बैंड से अटैच कर दिया है. इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इट्स फ्रंट. कार ए में देखिए आपने साउथ पोल को फ्रंट साइड पे किया है कार के. एंड कार बी में आपने नॉर्थ पोल को फ्रंट साइड पे किया है. कार ए ने साउथ पोल को फ्रंट साइड पे किया है एंड कार बी नॉर्थ पोल को फ्रंट साइड पे किया है. बिकॉज फ्रेंड्स नॉर्थ पोल वी यूज रेड कलर टू इंडिकेट नॉर्थ पोल एंड ब्लू कलर टू इंडिकेट साउथ पोल. और वी मेक अ डॉट विच रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल. Then, now place the magnet, the two cars close to one another. अब आप उन दोनों cars को एक दूसरे के पास लेकर आएंगे. Do the cars remain at their places? क्या cars अपनी ही जगह रहती हैं?
और डू दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड, या वो कार्स आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं और टकरा जाती हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, आप अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल डू, हम अब टॉय कार्स को आप इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन से रख देंगे उनको कि उनका जो रियर पार्ट है, जो बैक पार्ट है, अब वो फ्रंट में आ जाए, जहां डिक्की होती है ना कार की जैसे, तो उस तरफ से। तो अभी भी क्या होगा, डू दे मूव एज बिफोर, क्या वो पहले की तरह ही मूव कर रही है। नोट द डायरेक्शन इन विच द कार्स मूव नाउ। नाउ नेक्स्ट प्लेस द कार ए बिहाइंड कार बी एंड मूव द डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपको इनकी पोजिशन चेंज करके एक दूसरे के पीछे आपको रखनी है। इसको हम, इस एक्टिविटी को हम अपने पास हमारे पास बार मैग्नेट्स हैं, हम उनके थ्रू करके देखते हैं। Y dot on one bar magnet. This is Y dot on one bar magnet. This means ki this is the north pole of the magnet. Okay, थोड़ा सा हम इसको दूर कर लें अगर, and this is the south pole of the magnet. Again here we have north pole of the magnet, and this is the south pole of the magnet. Okay, now what will happen if I bring this magnet near this magnet? See, friends, जब हम दोनों को लेकर आते हैं, so you can see these two magnets join. And if I pull one magnet, see, another magnet is also coming with it. हाँ जी, तो देखिए आपने कि if I pull this magnet, अगर मैं इस magnet को pull करती हूँ, again it is coming with this magnet. Okay, now students, देखिए north south, north south. It means जो ये इस magnet का जो south pole है, students, see, it is like this, है ना? And ये जो magnet है, it is also like this. Okay, so this is south pole of this magnet and this is north pole of this magnet. तो सामने हमने कौन से फेसेस किए हैं, अपोजिट पोल्स किए। दीज आर अपोजिट पोल, नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ, दीज आर द अपोजिट पोल्स। आप चाहे इनको ऐसे रखें या फिर आप इनके पोल्स को रिवर्स भी कर सकते हैं। नाउ इट इज साउथ, इट इज नॉर्थ, देन ऑल्सो इफ यू विल कीप इट लाइक दिस, तो इट विल बिकम साउथ एंड इट इज नॉर्थ। अभी भी आपके अपोजिट पोल्स ही आमने सामने है दोनों बार मैग्नेट्स के, और यहां पर भी अपोजिट पोल्स थे, तो इट विल अगेन शो। आप देखिए यहां पर मैं जो करती हूँ, सी अगेन इफ आई पुल वन मैग्नेट, ओके, सो अनदर वन विल ऑल्सो कम इन दिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन सेकेंड केस अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सी आई जस्ट ब्रिंग द सेम पोल्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, लाइक दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, देन अगेन हियर साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। ओके, सी हियर वी हैव अ वाइट डॉट, तो इट विल बी लाइक दिस, एंड हियर वी हैव अ वाइट डॉट, this is south pole, this is south pole, this is north pole and this is also north pole. Now see what will happen, what happens when we bring these two magnets with same poles or like poles भी हो गए हैं, हमको same poles or like poles जब हम एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो क्या होगा। अब अगर मैं इसको pull करती हूँ तो ये magnet साथ में आएगी या नहीं आएगी, it is not coming, okay, it is not coming with it, see, no. Now I just bring another situation, yahan bhi south south poles the hamare, now I just reverse the directions, south, north, again here north and south, these are also the like poles students, so this will be like this, see, Y dot and
ये मैग्नेट को हम फिर इस तरह से ओके. नाउ सी इफ आई ब्रिंग नियर द टू मैग्नेट्स नियर टू ईच अदर सो व्हाट विल हैपन. आई जस्ट पुल दिस मैग्नेट. अनदर मैग्नेट इज कमिंग विद इट. नो ओके. अगेन फ्रेंड्स इफ आई पुल दिस मैग्नेट नहीं आ रही है ना ये भी साथ में. यस फ्रेंड्स नाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आई विल ट्राई टू शो यू विद अनदर एक्सपेरिमेंट. हमने क्या किया एक आइंस्टाइन लिया अगेन हमने एक फ्रेंड लेकर और मैग्नेट को फ्रीली रोटेट रख दिया. ओके फ्रेंड्स आपको मालूम है दैट यस थोड़ा सा बिकॉज यू नो टाइम टेकिंग होती है तो वी जस्ट ट्राई टू ब्रिंग इट एट रेस्ट एंड यू नो कि अ मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. दिस इज इट इज शोइंग नॉर्थ हियर एंड दिस इज साउथ. आप ये ध्यान रख सकते हैं जो थ्रेड आपको यहाँ नजर आ रहा है दिस इज साउथ डायरेक्शन एंड दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन. नाउ सर आई हैव अनदर बार मैग्नेट और इस मैग्नेट को अगर आप देख पाएंगे सो दिस इज द नॉर्थ पोल. ये जो साइड है ये नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. तो अब मैं क्या करूंगी अब मैं इस मैग्नेट के सबसे पहले साउथ पोल को मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ लेकर जाऊंगी और आप देखेंगे कि क्या है. सी कैन यू ऑब्जर्व. देखिए दोबारा से मैं लेके कराते हैं. इट इज अट्रैक्टिंग दिस इज अट्रैक्शन. अपोजिट पोल्स attract each other. Okay? I hope you can clearly see it. Now friends, अब मैंने poles को reverse कर दिया. Okay? Now we see what will happen. अब मैंने क्या किया friends? This is not pole and here it is also not pole. तो not pole, not pole. ये देखिए. What is happening here? Not pole. मैं आई एम नॉट रोटेटिंग इट. ये अपने आप देखिए दूर भाग रहे हैं. यू सी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. इट्स अपोजिट एंड. ये जो अपोजिट एंड का साउथ पोल था फ्रेंड्स मैंने बोला ना थ्रेड की तरह देखिए साउथ पोल होगा वो अट्रैक्ट हो गया है नॉर्थ पोल की तरह. ओके इफ आई ट्राई टू मूव इट टूवर्ड्स द सेम पोल नॉर्थ पोल तो देखिए इट इज रोटेटिंग इट सेल्फ अपने आप दूर भाग रहे. सो इन दिस वे फ्रेंड्स वी कैन से दैट यस द लाइट पोल्स दे रिपेल ईच अदर एंड द सेम पोल्स सॉरी एंड द अपोजिट पोल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर. सेम और लाइट पोल्स दे रिपेल ईच अदर एंड द अपोजिट पोल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर. ओके सो आई होप द एक्टिविटी इज वेरी क्लियर. Reading the property of attraction and repulsion, we have another topic. What are the precautions which we should take in order to maintain the magnetic effect of the magnet? Magnet को magnet के magnetism को बचाने के लिए जो उसका magnetic effect होता है which is called magnetism उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. नंबर वन फ्रेंड वी शुड नेवर हीट. कभी भी हमें मैग्नेट को हीट नहीं करना चाहिए कि जैसे हैमर हथौड़े से उसको इस तरह से बीच नहीं करना चाहिए हमें. और वी शुड नेवर ड्रॉप द मैग्नेट. कभी कभी गलती से हो जाता है बट वी शुड नेवर ड्रॉप द मैग्नेट फ्रॉम द हाइट. अगर हम ऐसा करते हैं अगर हम उसे हीट करते हैं या फिर हम उसको हैमर से बीच करते हैं और वेन द मैग्नेट इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट इट लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म. आप बाद में चेक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स कि इसकी पावर जो होती है वो कम होती चली जाती है. देन अनदर थिंग इज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर द मैग्नेट्स प्रॉपरली. हमें मैग्नेट्स को प्रॉपरली स्टोर करना भी बहुत जरूरी है. सो इट्स लाइक आई विल शो यू दिस इज अ बॉक्स इन विच बार मैग्नेट्स आर कैप्ट. आप देखिए फ्रेंड्स इन दिस बार मैग्नेट बॉक्स आप देखिए टू बार मैग्नेट्स आर कैप्ट.
एंड देन इनके साथ हमने स्टील की सॉरी आयरन की ये बार्स रखे हुए हैं, दे आर कॉल्ड कीपर्स। आपको बुक में भी शो किया हुआ है, क्योंकि एकदम से बार मैग्नेट शुड बी कैप्ट इन पेयर्स, और उनकी जो अनलाइक पोल्स हैं और जिनको हम अपोजिट पोल्स बोलते हैं उनको हमें एक तरफ रखना चाहिए। देखिए इस मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, इधर ऑल्सो हेयर इट इज नॉर्थ पोल इट इज साउथ पोल। ओके एंड दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड। आप देख सकते हैं बीच में इनके एक वुड का पीस लगा हुआ है बार मैग्नेट्स के बीच में। एंड दे शुड बी प्लेस अक्रॉस देयर एंड्स। ओके सो एंड दीज आर द स्ट्रेंथ आयरन बार्स जिनको हम कीपर्स बोलते हैं, KEEPER। इनसे हम इनको स्टिक करके रखते हैं। इन दिस वे वी स्टोर बार मैग्नेट्स। तो दिस इज द प्रॉपर मेथड ऑफ स्टोरिंग बार मैग्नेट्स। ओके जिससे इनका मैग्नेटिज्म जो है वो बना रहता है। नेक्स्ट वी हैव डू नॉट कीप मैग्नेट नियर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। स्टूडेंट्स हमें मैग्नेट्स को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे आपके म्यूजिक सिस्टम्स हैं, हमारे मोबाइल फोन्स हैं, LEDs हैं, TV स्क्रीन्स हैं, उनके पास मैग्नेट को नहीं लेकर जाना चाहिए। अदरवाइज उन अप्लायंसेस की जो वर्किंग है उनमें भी खराबी आ जाती है, क्योंकि बिकॉज मैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज इन दीज अप्लायंसेस। और जब एक मैग्नेट हम दूसरे मैग्नेट के पास लेकर जाते हैं, आपको मालूम है आइदर दे शो अट्रैक्शन और रिपल्शन, और जिसकी वजह से हमारे ये इंस्ट्रूमेंट्स खराब होने का डर रहता है। तो दैट इज वाई वी शुड नॉट ब्रिंग द मैग्नेट्स नियर दीज अप्लायंसेस। ओके सो स्टूडेंट्स नाउ विद दिस टॉपिक वी कंप्लीट आवर चैप्टर। एक्सरसाइज वर्क आई विल गिव यू आफ्टर द एग्जाम्स। आई होप ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। अनलेस एंड अंटिल स्टूडेंट जब तक आप एक्टिविटीज को देखेंगे नहीं, और अगर पॉसिबिलिटी है तो आप करके देखें, मैग्नेट्स इजिली अवेलेबल हो जाती है। तो यू विल ऑब्जर्व द थिंग्स योर सेल्फ एंड यू विल लर्न द थिंग्स इन अ बेटर। ओके थैंक यू।